एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। सुखपुर बहुत छोटा गांव था। उस गांव में सभी लोग किसानी करते थे। जग्गू उसी गांव में रहता था। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वह जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तत्पर रहता था। जग्गू अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए कि बिना पानी अब वो खेती कैसे करेगा। अरे दयालु जी, मेरी बात सुनोगे? सारे गांव में अपनी दयालुता बिखेरते रहते हो, कुछ मेरी भी सुन लिया करो। कुछ नहीं हो सकता इस गांव का। और तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ ये तो बताओ। तुमको क्या पता कैसे पानी लाना पड़ता है इतनी दूर से? अरे चिल्ला क्यों रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अब पानी की इतनी बड़ी परेशानी है, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? तुमको क्या पता चलेगा, तुमको जाना पड़े तब तुमको पता चले। बस लोगों के दुख दर्द सुनने में ही दिलचस्पी है तुमको। अरे भाग्यवान, अब क्या बोलूं मैं तुमको, मैं तो खुद परेशान हूँ। ना तो बरसात होती है, ना तो कोई तालाब में पानी भरा हुआ है। जी आप तो सही ही बोल रहे हो, पूरे गांव वाले भी यही सोच के मरे जा रहे हैं और पास के सारे तालाब भी सूख गए हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? हमें अपनी पानी की परेशानी को राजा तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सबसे बात करता हूँ, सबको उनके घर जाकर बोलता हूँ। जग्गू फिर एक एक करके सभी गांव वालों को एकजुट होने के लिए शाम को बोलता है। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी लोग एकजुट होते हैं। अरे सुनो भाई सभी लोग, हमें ये पानी की परेशानी राजा तक पहुंचानी पड़ेगी। उनको भी पता चलना चाहिए कि गांव की क्या हालत है। भाई तुम सही बोल रहे हो, सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। वो तो अपने महल में ही रहते हैं, उनको क्या पता चलेगा कि गांव में क्या होता है, हैं? चलो सब लोग, मगर ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुहावरों में क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो भाई। मतलब राजा के सामने पानी की बात कौन रखेगा है? सभी लोग जग्गू को ही आगे करते हैं और बोलते हैं, भैया जग्गू आप ही बोलो, क्योंकि आप ही इस गांव में सबसे ज्यादा समझदार हो। ठीक है, कल सुबह होते ही राजा के महल चलते हैं। सभी लोग बात खत्म होने के बाद अपने अपने घर को चल देते हैं और अगली सुबह राजा के महल के लिए निकल जाते हैं। राजा बहुत घमंडी था, उसका गांव वालों से कोई मतलब नहीं था और वो गांव वालों की बात नहीं सुनता था और ना ही मिलना पसंद करता था। और सुब्बू को ये बात पहले से पता थी, ताकि जो भी हो जग्गू को हो। सुब्बू जग्गू से बहुत जलता था। जग्गू को सारे गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। ये बात सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सभी लोग राजा के द्वार पर पहुंचे और वहां पहुंचकर सबने देखा कि राजा का मंत्री द्वार पर ही था। रुको सब लोग यहीं पर ही, कहां घुसे जा रहे हो, क्या बात है पहले मुझे बताओ। मंत्री जी, हमको राजा से मिलना है, गांव की परेशानी के बारे में राजा को बताना है। आप मिलने दो, हमें राजा से बात करनी है। नहीं, हमारे राजा हर किसी से नहीं मिलते हैं। अगर तुम लोगों को मिलना है तो जाकर उनके लिए कुछ उपहार लेकर आओ। उपहार? महाराज बिना उपहार के नहीं मिलते हैं क्या लोगों से? हाँ, नहीं मिलते हैं किसी से। तुम लोगों को समझ नहीं आता है क्या, मुफ्त में कोई काम कहीं पर नहीं होता है। एक हाथ दो एक हाथ लो। अरे भाई जी, ये तो बताओ उपहार कहाँ से देंगे हम, खेतों में पानी नहीं है। पानी के लिए ही हमें राजा से उनकी नदी से पानी लेने की इजाजत चाहिए थी। नहीं नहीं, जाओ लेकर आओ उपहार, तभी आना यहाँ, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर मंत्री महल में वापस चला गया और जाकर राजा को गांव वाले क्यों आए थे यह सब बताया। महाराज, बाहर गांव के लोग आए थे जो अपनी परेशानी का हल आपसे चाहते थे। किस तरह की परेशानी थी, तुमने पूछा नहीं। महाराज, उनका तो काम ही यही है, हर छोटी मोटी बात को लेकर आ जाते हैं महल में। देखो महामंत्री, अच्छा किया तुमने, हमें इन गांव वालों की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री अपने दिमाग में सोचने लगा, हर किसी को आपसे मिला दूंगा तो मेरी इतनी इज्जत कहाँ रहेगी, महल में महामंत्री बनकर कौन रहेगा, मुझे तो राजा से भी ज्यादा इज्जत चाहिए।
लोगों से। बस मंत्री को इस बात का डर था कि कहीं राजा को गांव वालों के साथ हुई हरकत का पता न चल जाए। मंत्री राजा के नाम पर गांव वालों से काफी राशन और अन्न लेता था, इसीलिए वो कभी भी राजा से गांव वालों को कम ही मिलने देता था और इसीलिए खुद ही सब कुछ संभालता था। राजा को मंत्री की बातों का और हरकतों का कभी पता नहीं चल पाता, इसीलिए मंत्री हमेशा राजा से झूठ बोलता था। मंत्री अपने मन में सोचता हुआ और बहुत खुश होकर बोला, कुछ खास नहीं था महाराज, अब आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। जग्गू और बाकी सब गांव वाले पानी के बारे में बात करते हुए वहां से वापस आ जाते हैं। गांव में हमेशा सूखा रहता था। गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती है। गांव में सूखे के हालात हैं। दो घूंट पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं भाई, राजा को भी हमारी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। काश कोई चमत्कार हो जाए, इस गांव में पानी इतना हो कि सबको खेती करने में कभी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े भाई। आए पानी ला ला कर, वो भी इतनी दूर से, मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो गई है। ऐसे ही पानी लाना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगा एक दिन, अगर जल्दी ही कुछ नहीं हुआ तो। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। जग्गू अपने घर के बाहर के चौपाल पर बैठा था। एक बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसके घर के पास से गुजर रहा था। वो जग्गू के पास आया और आकर उसने जग्गू से पानी मांगा। सुनो बेटा, मैं बहुत दूर से चलते आ रहा हूँ, क्या मुझे तुम पानी पिला दोगे? जग्गू सोच में पड़ गया, क्योंकि जग्गू के पास एक ही मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से जग्गू ने पानी भरा था, परंतु जग्गू बहुत दयालु था। अब मैंने बहुत मुश्किल से ये पानी का मटका भरा है, अब अगर ये मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में ये मटका भरने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। क्या सोच रहे हो बेटा, पानी ही तो मांग रहा हूँ। बाबा, मैं सोच में नहीं था, मगर मगर क्या? कुछ नहीं, लो आप पानी लो। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पिया, फिर उस बूढ़े इंसान ने और पानी मांगा। जग्गू मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। जग्गू ये देखता ही रह गया। उस बूढ़े ने जग्गू को कहा कि धन्यवाद, तुमने मेरी आज प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना ये बड़े पुण्य का काम है, इसीलिए तुम्हारा भगवान भला करेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा इंसान चला गया। जग्गू बहुत दयालु था, इसीलिए बूढ़ा आदमी जग्गू से बहुत खुश होकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। जग्गू को बूढ़े आदमी का बर्ताव बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि उसने मटके का सारा पानी एक साथ पी लिया था। जग्गू ने सोचा कि अब मैं क्या पानी पीऊंगा, उस बूढ़े ने मेरा सारा पानी पी लिया है। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच गंगा प्रसाद आए। उन्होंने जग्गू को कहा कि जग्गू, क्या हुआ, तुम राजा के पास गए थे पानी के लिए? क्या होगा, राजा कौन सा हमारे जैसे लोगों से मिलते हैं, घमंडी कहीं का। कोई नहीं, आज हमारे घर आ जाना, थोड़ा काम है, मदद हो जाएगी। और ये सामान लेते आना, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। जग्गू ने पर्ची के अनुसार सामान देखना शुरू किया। जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, थक गया हूँ काफी। मटके में पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। यह सुनकर जब जग्गू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। अभी कुछ देर पहले तो उस बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया है, तो अचानक ये क्या हो गया? उसने मजाक का बहाना कर गंगा प्रसाद को पानी दिया। पानी पीकर गंगा प्रसाद चले गए।
गंगा प्रसाद के चले जाने के बाद जग्गू ने मटके को देखा तो वह फिर से भर गया था। उसे लगा कि यह कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। वह यह देख खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार लड़की भी आई थी जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला, मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दे दो। ऐसा क्यों? क्यों क्या हुआ ऐसा? और आप पानी क्यों मांग रहे हो? मेरा पैर एक दुर्घटना के कारण टूट गया था जो काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था, परंतु तुम्हारा पानी पीने के बाद से ही मेरा पैर बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। इसीलिए मुझे तुम्हारे मटके का पानी दे दो जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। जग्गू ने ठीक वैसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। यह देख जग्गू खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। जग्गू ने सोचा कि शायद वह बूढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता रहा होगा और उसी की वजह से यह साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया। जग्गू के घर के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए जग्गू के पास आने लगे। जग्गू उनका इलाज मुफ्त में करने लगा क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ ना कुछ देकर जाते। जग्गू कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा इंसान जग्गू के घर के बाहर फिर से आया और पानी मांगा। जग्गू उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और जग्गू को कहा कि जल्द से जल्द हमारे साथ चलो, रानी जी बहुत बीमार हैं, इसीलिए उनको मटके का पानी चाहिए। आज आप लोग यहाँ कैसे आ गए हैं? उस दिन हम भी अपनी पानी की समस्या लेकर आपके राजा के पास आ गए थे। राजा ने तुमको तुम्हारे इस जादुई मटके की वजह से मिलने के लिए बुलाया है। आहा, ऐसे कैसे आ जाऊं? नौकर समझाए क्या? वो बुलाए और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊं। चलते हो या नहीं, तुम में इतना घमंड आ गया है जो तुम हमारी बात को मना कर रहे हो। मुझे क्या मिलेगा, तभी मैं आऊंगा। जो मांगो वो मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था और पानी का इंतजार कर रहा था। सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे दूं। मगर जग्गू के मन में धन की लालसा दिख रही थी। तुम हमारे साथ चलो, राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। जग्गू लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही सैनिक की बात मान वहां से सैनिकों के साथ चल दिया। जब वह मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। जग्गू तुम हो? जी महाराज। मैंने तुम्हारे मटके के बारे में बहुत सुना है, तुमको मेरी रानी को बचाना होगा। जग्गू बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा, तब उसने कहा, मटके में पानी नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मार कर जग्गू को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद जग्गू ने सोचा, वो बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरे घर पर आया था। मैं आज उनको पानी दिए बिना धन के लालच में राजमहल गया, ये सब उसी का नतीजा है। जग्गू को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस पाइप के जरिए पानी गांव में लगे एक नल के माध्यम से आता था जिससे किसी को भी गांव से दूर तालाब में पानी भरने ना जाना पड़े और ना कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे।